संघाच्या मध्ये ठेवलेली आहे आणि दोन्ही संघाचे एक खिलाडू कॅप्टन या ट्रॉफीकडे बघतात आणि कोण विजयी होणार आणि कोण उपविजयी हे आपण बघणार आहोत। तर आमचे सर्व प्रमुख अतिथी खेळपट्टीकडे येताना प्रेक्षकांची देखील गर्दी हळूहळू वाढत चालली आहे। अंतिम सामन्याला आपण आता सुरुवात करणार आहोत। सिटी इमर्जिंगच्या माध्यमातून खेळवली जाणारी आर्यन ट्रॉफी 2022-23 आजचा हा मेगा फायनल। खेळणारे दोन संघ आहेत ओमसाई स्पोर्ट धाबा दापोडे आणि समोर असेल प्रांशी 11 ठाकरचा पाडा। आमचे पाहुणे सन्माननीय शंकरदादा जुकर सोबतच शिवसेना उप शहर प्रमुख सन्माननीय हरिभक्त परायण विश्वनाथदादा महाराज सोबत शिवसेना शाखा प्रमुख सन्माननीय सुरेदा पाटील तसेच पंडित वोईर सचिन तरे योगेश तरे अष्टपैलू खेळाडू प्रल्हाद नाईक तसेच रुपेश जुकर संजय तरे आणि जय भवानी शिवसेना नवनिर्वाचित शाखा प्रमुख गुरुनाथ तरे या सर्व पाहुण्यांचा हार्दिक आहे। पाहुण्यांना विनंती आहे की आपण या साईडला येऊन समोरच्या दिशेने बघा कारण की समोरून कॅमेरा व्ह्यू आहे। एक काम करा या हा जो संघ आहे ना हा क्यू शेप मध्ये असा राहील या साईडला असा कॅप्टन इथे राहील सेम या साईडने तुम्ही इकडे जाणार व्ही शेप मध्ये। मी विनंती सचिन सर आपण इकडे यायचं आहे योगेश इकडे तू सर्वप्रथम राष्ट्रगीत घ्यायचं आहे दीपेश डीजे दीपेश रेडी सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होईल त्यानंतर नाणेफेकी। ओमसाई धाब्याचे ओनर संतोष सर संतोष कोळी आपणास देखील यायचं आहे आणि टोपी काढून घ्यायची आहे राष्ट्रगीत होणार आहे। जेही खेळाडू आहेत जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे की राष्ट्रगीत सुरू होणार आहे सर्वांनी शांततेने उभं राहायचं आहे टोपी काढून घ्यायची आहे। तर डीजे दीपेश रेडी जे बसले आहेत त्यांनी उभं राहायचं आहे जो भी बैठे है उनको खड़े रहना है जो बैठे है उनको खड़े रहना है जे जे बसले त्यांना उभं राहायचं आहे जो बैठे है गॅलरी के उनको खड़े रहना है आपको खड़े रहना है सबको खड़े रहना है राष्ट्रगीत होने वाला है उसका सम्मान करना है सबको खड़े रहना है। रेडी डीजे दीपेश जय श्री राम। तर कॉईन घेऊन यायचं आहे हरेश
तर दोन्ही कॅप्टनना मी सर्वप्रथम फक्त कॅप्टन यायचे आहेत आणि प्रमुख पाहुण्यांनी यायचे आहेत नाणेफेकीसाठी. प्रांशिलोन संघाचा कॅप्टन इथे यायचा या बाजूला एसट्यांच्या बाजूला उभं राहायचं आहे. तसेच ओमसाई दाबा मी विनंती करेन. सन्माननीय विशादा महाराज आपणास विनंती करेन. शंकरदास जुकर प्रल्हाद नाईक आमचे सर्व प्रमुख पाहुण्यांनी येथे यायचं आहे. तुमच्या शुभहस्ते नाणेफेकी जाणार. मी नाणेफेकीची प्रथम ओळख करून देतो. दोन्ही कॅप्टन यायचं आहे. एका बाजूला हेड आहे आणि दुसऱ्या बाजूला टेल आहे जो इंटरनॅशनलमध्ये यूज केला जातो तोच कॉईन आहे. ओम प्रांशी धाबा कॉल करणार आहे का? टेल कॉल आहे आणि आलेला आहे देखील टेल. अभिनंदन प्रांशिलन ठाकराचा वडा या संघाने प्रथम नाणेफेकी जिंकलेले आहे. सर्वप्रथम ट्रॉफी घ्यायची आहे. दोन्ही कॅप्टन ट्रॉफी हातात घ्यायची आणि फोटो काढायचा आहे. हे बघा दोन्ही कॅप्टन ट्रॉफी घेऊन आहेत. बघूया यानंतर समजेल ट्रॉफी घेऊन कोण जातोय. दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक आणि सर्व पाहुण्यांचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि पाहुण्यांना विनंती करतोय की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि मी या अंतिम सणाची जे पंच आहेत त्यांचं देखील तुम्ही ओळख करून देतोय. सन्माननीय संजय पाटील सर आणि सचिन इलेव्हनचे धडाकेबाज फलंदाज लाड सर. तर अंतिम सणाठी पंच आहेत लारा सर आणि संजय पाटील सर हे प्रमुख पंच असणार आहेत. नाणेफेकी प्रथम जिंकलेली आहे. प्रांशी इलेव्हन ठाकाचा पडा. 5 षटकाचा सामना आहे. मेगा फायनल आहे. डिसिजन का असेल तुमचा? फिल्डिंग करणार अगोदर आम्ही. फिल्डिंगचा रिझन कारण की तुमच्याकडे गोलंदाजी चांगली आहे की तुम्ही टार्गेट चेस करू शकता कुठल्याही प्रकारचा असला? मी टार्गेट चेस करू शकतो आणि गोलंदाजी देखील चांगली आहे. आर्यन चषक मध्ये पहिल्यांदा भाग घेता, कसं वाटलं एवढ्या 2 दिवसामध्ये खेळून? खूप चांगलं आयोजन केलंय आणि आम्हाला या ग्राउंडवर खेळायची संधी दिली त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद तुम्हाला देखील. ओमसाई दाबा नाणेफेकी हरलेले आहेत पण तू फायनल हरणार का जिंकणार? खेळण्यावर आहे आपल्या. तुमचा खेळ खूप चांगला झालेला आहे. गेल्या 2 दिवसांपासून बघितलंय बॅटिंग आणि गोलंदाजी ही तुमची खूप स्ट्रॉंग दिसते परंतु कुठेतरी अंतिम सामन्यामध्ये काही दबाव असेल का? असा काही दबाव नाही. तो खेळलाय तो आम्ही खेळलो. तुम्हाला देखील बेस्ट ऑफ लक. तर हे होते दोन्ही संघ आणि आता जागवण झालेले शिवसेना वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय गजेंद्र दागळवी यांचा देखील हार्दिक आभार. पाहुण्यांना विनंती की प्रत्येक खेळाडूंचा तुम्ही ओळख करून घ्यायचे. जरा खेळाडूंनी एका रांगेमध्ये उभे राहून घ्यायचे. तुमची ओळख करून घेतील. एका रांगेत उभे राहायचे. आमचे पाहुणे तुमची ओळख करून घेणार. सन्माननीय विजयदा पाटील आपणास देखील विनंती की आपण देखील यायचंय. या दादा अंतिम सामन्यामध्ये आम्ही तुम्हाला आमंत्रित केलेलं आहे. तसेच मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कर्ते ज्यांनी आम्हाला सुंदर अशा मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफ्या स्पॉन्सर केल्या आहेत. हँडसम डॅशिंग नेतृत्व कल्पेश गुळवी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. तर पाहुण्याने विनंती की सर्व खेळाडूंची ओळख करून घ्यायची आहे एका रांगेमध्ये. तर पाहुणे सर्व खेळाडूंशी ओळख करून हस्तांतरण करताना दोन्ही खेळाडूंना बेस्ट ऑल ऑफ करताना एका बाजूला प्रांशी इलेव्हन दुसऱ्या बाजूला ओम साई धाबा दापोडे सर्वांना बेस्ट ऑफ लक करताना आमचे पाहुणे आणि ओळख करून घेताना. विजय दादा पाटील आपणास देखील विनंती की आपण देखील यायचंय. तुम्ही देखील आमच्या स्पर्धेला मान देऊन आलात खरोखरच. सर्व पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. प्रांशी इलेव्हन दाब ठाकाच बडा क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं फटाफट आणि ओमसाई दाबा आपण आपले सलामीची जोडी लवकरात लवकर खेळपट्टीकडे पाठवून द्या आणि दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे की आपापले चेंडू चेक करून घ्यायचे आहेत. बॉल चेक करायचे आहेत दोन्ही खेळाडूंनी. बॉल चेक करून घ्यायचे आहेत फटाफट. प्रेक्षकांनी मैदानामध्ये आता येऊ नये. अंतिम सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. आमचे सर्व पाहुणे मंचावर स्थानापन्न होतील. आमचे सेवक आणि स्वयंसेवक आहेत त्यांनी सीमारेषेचा ताबा घ्यायचा आहे.
मजर खान आप शुरू करना है। थैंक यू दर्शन नाइक। एक बहुत संतोष कोहली सरना विनंती है कि अपन मंच पर स्थान पर नवाज संतोष कोहली। तो ये हमारे साउथी कमेंटेटर दर्शन नाइक, एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर और सूत्र संचालक दर्शन नाइक, और उन्हीं का ये टूर्नामेंट आर्यन ट्रॉफी। दो टीमें अब मेगा फाइनल में पहुंच चुकी और मेगा फाइनल की जंग अब शुरू होने जा रही है। खेलने वाली टीम है प्रांशी 11 ठाकरे चापाड़ा और ओम साई धाबा दापोड़े। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है प्रांशी 11 ठाकरे चापाड़ा के कैप्टन ने। संतोष कोहली सरांना विनंती की आपण वरची मंचावर बसायचंय या। ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ओम साई धाबा दापोड़े के कैप्टन, आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है। तो दोस्तों आर्यन ट्रॉफी 2022-23 का ये मेगा फाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर वहां पहुंच चुके हैं, संजय पाटिल सर और लारा सर। खेल की शुरुआत होती हुई बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो अब शुरू होने जा रही है खिताबी जंग, देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। रोमांच अब तक पूरे आर्यन ट्रॉफी में लगातार बरकरार। पहली मर्तबा मेगा फाइनल खेलने जा रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा। लास्ट ईयर इन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एंट्री किया था और दीपेश ठाकुर फैम टीम, और बहुत गजब का क्रिकेट खेल रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ओम साई धाबा दापोड़े, तो लास्ट ईयर इस टीम ने एक मेगा फाइनल खेला था और दो सेमीफाइनल। मेगा फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था युग 11 मालोड़ी से। देखना है वो सपना जो अधूरा रह गया था क्या आज पूरा होगा, या फिर प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा पहली मर्तबा मेगा फाइनल में पहुंची है और चैंपियन बनकर इस टूर्नामेंट से निकलेगी। दो नई टीमें मेगा फाइनल में पहुंची है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है आर्यन चषक 2022-23 में। इस वक्त संतोष कोहली ने ओम साई धाबा के बल्लेबाजों के लिए एक इनाम रखा है। कोई भी बल्लेबाज चौकों की हैट्रिक या फिर सिक्सर की हैट्रिक लगाता है तो 2000 का इनाम दिया जाएगा। मैच की शुरुआत करनी है, फौरन पहला ओवर लेकर आ रही है तेज गेंदबाज बॉबी शाम नाइक गैलरी एंड से, जिन्होंने ओपनर बल्लेबाजों को आउट किया था अंजुमन स्पोर्ट के, कमर तोड़ दी थी पहले ही ओवर में। और स्ट्राइक पर है प्रीतम, नॉन स्ट्राइक एंड पर है कुणाल। मेगा फाइनल की पहली गेंद, वहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के पीछे से निकली, पहली गेंद कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। मेगा फाइनल शुरू हो चुका है आर्यन चषक 2022-23 का। देखने कौन बनता है विजेता, आज देर शाम तक पता चल जाएगा। एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को। जो टीम इस कप को जीतेगी नंबर 1 पर रैंक कर देगी आर्यन 11 भादवाड़ के साथ।
अगली गेंद इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, ये देखिए तालमेल की कमी, प्रीतम की पारी खत्म। बड़ा झटका लगा इस वक्त ओम साई धाबा को, प्रीतम अच्छे टच में थे। आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टीम घर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टीम घर पाड्यान। धन्यवाद डीजे, खेळाडूला जर काही इजा झाली असेल तर आपल्याकडे फर्स्ट एड ची व्यवस्था आहे, फर्स्ट एड किट आहे आपल्याकडे, जरा तुम्हाला आवश्यकता असेल तर आम्ही तुम्हाला पुरवू शकतो। देखिए टीम के कैप्टन, जिस खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है आप उन्हें लेकर बाहर आ जाएं प्लीज, ताकि खेल एक बार फिर से शुरू किया जाए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहां पर फर्स्ट एड किट लेकर पहुंच रही है। बहुत बड़ा झटका लगा है पहली दूसरी गेंद पर इस वक्त ओम साई धाबा दापोड़े को, प्रीतम एक अच्छे बल्लेबाज रन आउट के रूप में आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए अभी तक खाता नहीं खुला है। नए बल्लेबाज आए निकले शेलार, शेलार की तलवार जिन्हें मैंने नाम दिया था लास्ट ईयर। बॉबी की अगली गेंद इस बार जमीनी सहारे से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद। अब जाकर निकलेश ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है इस सिंगल की मदद से। अभी तक गजब का कहर ढा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से कुणाल, पिछले दो मैचों में लास्ट मैच में उन्होंने बनाया 24, उसके पहले मैच में बनाए थे 47, 47, तो इनफॉर्म बैट्समैन है, टच में नजर आ रहे हैं। दीपेश नाइक जैसे गेंदबाज को 5 गेंदों में 5 सिक्सर मारा आर्यन 11 भादवड़ के सामने, देखना है मेगा फाइनल में क्या करते हैं कुणाल। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक पैरों पे दिखे, जगह बनाकर खेला वहां पर अच्छी फील्डिंग दीपेश की। दीपेश टीम में शामिल हुए हैं, अगर हम बात करें तो पहले मैच में वो 12वें खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए थे, लेकिन अब उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। दीपेश जो कि अमान ट्रॉफी के बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट थे, बहुत अच्छे फील्डर हैं। निकले शेलार एक बार फिर से स्ट्राइक पे, बॉबी मुड़ते हुए इस बार सवाल पूछा है बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, निकले शेलार नहीं बची अब इस तलवार की धार, आउट हो गए। तर अंतिम सामन्यासाठी उपस्थित आमचे सर्व प्रमुख अतिथी सन्माननीय मंचावरती बघू शकता, विजयदादा पाटील यांचं देखील ते या अंतिम सामन्यासाठी प्रमुख प्रमोणे म्हणून उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। सोबतच युवा नेते आणि समाजसेवक सचिन तरे यांचं देखील आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतोय जे आमच्या अंतिम सामन्यासाठी उपस्थित आहेत। सोबत मनसे शहर सचिव सुनील नाईक आहेत ज्यांनी आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचचा सुंदर ट्रॉफी दिला, असे सन्माननीय कल्पेश गुलवी, तसेच लाईव्हच्या माध्यमातून आम्हाला जे सहकार्य केलेले सन्माननीय शिवसेना वाहतूक सेना अध्यक्ष गजेंद्र गुळवी, तसेच आताच आगमन झालेले ज्यांनी आम्हाला सुंदर अशी ट्रॉफी मॅन ऑफ द सीसाठी प्रॉन्सर केले जयू नाईक, यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। मनसे शहर अध्यक्ष त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो ज्यांनी आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचची सुरेख ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप केलेली आहे। इसी बीच अगली गेंद बॉबी की बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। तसेच या स्पर्धेमध्ये आम्हाला भादव टेमगळवाडा शिवसेना शाखेकडून देखील आर्थिक सहकार्य लाभलेले आहेत, पंडित भोईर शिवसेना शाखाप्रमुख याचकडून देखील आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभले आहेत, तसेच शिवसेना उपशहर प्रमुख सन्माननीय हरिभक्त परायण विषयदादा महाराज यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतो आहे। परत एकदा आर्यन चषक 2022-23 सन्माननीय सुरेश दादा पाटील, तसेच सन्माननीय गुरुनाथ तरे दादा यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो आहे, गोल्डन मॅन संजय तरे आमचे त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो आहे, आणि युवा डॅशिंग नेतृत्व म्हणेन योगेश तरे हे देखील आमच्यामध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो आहे, आणि ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून कूलर म्हणून देण्यात आलेले ते रुपेश जुकर हे देखील आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो आहे, आणि आमच्या लाडक्या बहिणी ज्यांनी आम्हाला प्रथम द्वितीय आणि तृतीय आणि चतुर्थ अशा सुंदर अशा आकर्षक ट्रॉफ्या दिल्या, त्या सौभाग्यवती रेशमा शंकर जुकर हे देखील आहेत।
थैंक यू दर्शन नाइक। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज दक्षत। देखने दक्षत क्या दस्तखत करते हैं इस गेंद पर विकेट हासिल करके बड़े बड़े। इस स्ट्राइक पे अभी भी मौजूद हैं कुणाल। देखिए जब तक कुणाल रहेंगे मैच में जान रहेगी और इत्मीनान रहेगा ओम साई धाबा दापोड़े को। तसेच गजेंद्र गुळवी हे नवनिर्वाचित शिवसेना विभाग प्रमुख आहेत। आदिवासा आदिवासी पाडा आणि टेमगडपाडा या विभागातील नवनिर्वाचित विभाग प्रमुख म्हणून नेमणूक झालेली आहे। त्यांचा देखील हार्दिक आभार। पहले ओवर में हम देखिए तो रन बने सिर्फ दो और विकेटे गिर गई दो, एक रन आउट के रूप में और एक LBW के रूप में। ओम साई धाबा संघाचे प्रोप्रायटर अपना स्वेंते संतोष कोळी अपन मंचावर येऊन स्थानापन्न न्यायचे वरती आलेले आहेत। तुमचं देखील हार्दिक स्वागत आर्यन चषक 2022-23 मध्ये। संतोष कोळी ज्यांचा संघ आपण खेळताना बघतो अंतिम सामन्यामध्ये। पहली गेंद खेल दिया वहां पर मिड ऑफ के ऊपर से दूर से आ रहे थे खिलाड़ी गेंद की तरफ गए लेकिन वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। मारती चौकार षटकार आज भातवड टेमगर पाड्यान आज भातवड टेमगर पाड्यान आज भातवड टेमगर पाड्यान। या स्पर्धेसाठी सुंदर अशा आम्हाला सन्मान चिन्ह प्राप्त करून दिलेत। ते आहेत आमचे सन्माननीय युवा नेते निलेश जोशी यासकडून आम्हाला या सुंदर सुंबक अशा सन्मान चिन्ह देण्यात आलेले आहेत। अगली गेंद इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा फाइन लेग के खिलाड़ी थे लेकिन कैच छूट गया है। गेंदबाज का सपना टूट गया बल्लेबाज एक रन लूट गया। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये कि कैच किसका छूटा है कुणाल का। बहुत गजब के फॉर्म में है बैक टू बैक दो मैचों में रन बनाकर आ रहे हैं टच में है। बहुत महंगा पड़ेगा प्रांशी इलेवन ठाकरा चापाड़ा को। देखिए मेगा फाइनल में एक इन्फॉर्म बल्लेबाज का कैच छोड़ना बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्कोर है इस वक्त हम देखिए तो 7-7 रन। दक्षत मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट भावेश के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा मिल गया विकेट कीपर का सहारा भावेश की पारी खत्म। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त ओम साई धाबा दापोड़े का परेशानियों में नजर आ रही है। लगातार बैक टू बैक विकेट गिरते हुए मेगा फाइनल में। नए बैट्समैन जा रहे हैं इस वक्त यशराज। देखना यशराज क्या करेंगे अपनी बल्लेबाजी से राज या फिर अपनी टीम को करेंगे नाराज। दक्षत अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री आई उसके बाद अच्छा कमबैक फंसा लिया था जाल में कुणाल ने लेकिन नहीं कुणाल को लेकिन नहीं मिला फील्डर का साथ इसलिए वो अभी नाराज। लेकिन अगली गेंद पर भावेश को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त यशराज। देखना है यशराज की पिक्चरें काफ़ी चलती है बॉलीवुड में। ये यशराज क्या भादवड़ में चलते हैं आज आर्यन ट्रॉफी 2022-23 में। इस बार बिल्कुल सीधे ब्लेड से खेला है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी एक्शन में आते हुए थोड़ा सा फंबल लेकिन सिर्फ एक ही रन मुकम्मल एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुँचा है 8 रन्स। जबरदस्त मैच अभी तक बहुत कट टू कट थोड़ा सा बैकफुट पर है ओम साई धाबा दापोड़े लेकिन कमबैक करना जानती है। अगली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी नाराज थे वहां पर बल्लेबाज के सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए एक ही रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। इस वक्त बल्लेबाजी नहीं हो रही उतनी फाइन। अगर हम विकेटें देखिए तो 3 गिर चुकी है इस वक्त। दक्षत अच्छी गेंदबाजी करें दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। इस बार फिर से छोटी गेंद उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई एक रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं।
अभी तक सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली है, दो ओवर का खेल हो चुका है, मेगा फाइनल। दर्पण तो आपण एक सत्कार करून घेऊया जोपर्यंत वेळ आहे। या स्पर्धेसाठी आम्हाला बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था सलग तीन दिवस करून दिली, ते म्हणजे आमचे मंगेश शेलार यांचं देखील आगमन झालं आहे। मी शंकरदास जोकर यांना विनंती करते की मंगेश शेलार यांचा आपण सत्कार करून घ्यायचा आहे, मंचावर उपस्थित आहेत। तर आपण सत्कार करून घेऊया, मंचावर उपस्थित आहेत ज्यांनी आम्हाला सलग तीन दिवस बिस्लरी पाण्याची उत्तम अशी सोय करून दिली, ते मंगेश शेलार थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि यांचा सत्कार करतील। या स्पर्धेचे वन मॅन शो सन्माननीय शंकरदास जोकर यासकडून हा सत्कार करतो। हे बघू शकता मंगेश शेलार यांनी आम्हाला या तीन दिवस सलग बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था करून दिलेली आहे। पाणी पाजणं हे पुण्याचं काम आहे, ते काम त्यांनी करून दिलं आहे, त्याबद्दल त्यांचा हार्दिक आभार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि पानी ना हो तो कमेंटेटर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बॉबी तीसरा ओवर लेकर आए हैं, बहुत अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है तीसरे ओवर की भी। बॉबी देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच से उन्होंने गजब की गेंदबाजी की, अपनी कमर को कस लिया और अंजुमन स्पोर्ट जैसी बड़ी टीम को मात देने में बहुत बड़ा योगदान बॉबी का। यशराज एक बार फिर से तैयार, इस बार लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, दिशा दिखा दी है, केवल गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। हाय हाय एंड हैंडसम 6 रन। हे शंकर दादा ने सामने ठेविले पाहुने आदर्श गावाच, शंकर दादा ने सामने ठेविले पाहुने आदर्श गावाच, आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान। पहला सिक्सर, पहला बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ इस मेगा फाइनल में, स्कोर 16-16 और यहां पर यशराज का बल्ला बहुत तेज से बोला। ऐसे और दो चार बड़े हिट लगाने होंगे अगर उन्हें कमबैक करवाना है अपनी टीम को। तो बॉबी एक बार फिर से मुड़ते हुए शाम नाइक गैलरी एंड से अपने फॉलोअप तसे आमच्या इथे उपस्थित झालेले आहेत सन्माननीय वंडर ऑफ भिवंडी या नावाने परिचित असलेले जगदीश नाईक यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील अंतिम सामन्यासाठी मी आर्यन चषक 2022-23 मध्ये आणि शंकरदास जोकर यासकडून हार्दिक स्वागत। तसेच या ज्यांनी आम्हाला स्पर्धेसाठी चेंडूंची पूर्तता करून दिली असे संजय नाना म्हात्रे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी चेंडूंची सुविधा झालेली आहे। आभारी आहे संजय नाना म्हात्रे आपलं। इस बार फुल टॉस सुड़ाया है, ये भी जाएगी मैदान के बाहर दर्शकों के बीच में 6 रनों के लिए। ये ती पाहुणे सारे मनाना आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, ही आर्यन इलेव्हनची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानान, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदान। बैक टू बैक दो सिक्सर लगाकर अब पिक्चर में आ चुके हैं बल्लेबाज यशराज, स्कोर है इस वक्त 22-22, सिक्सर की हैट्रिक पे है। फुल टॉस उड़ा दिया है और सिक्सर की हैट्रिक पूरी कर ली, साथ ही साथ 2000 रुपए का इनाम बटोर लिया है। आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो भादवर टेमगर पाड्यान। थैंक यू डीजे। ये देखिए अब चिंतित नजर आ रही है प्रांशी लेवन टाकराचा, पड़ा घेर लिया सभी खिलाड़ियों ने बॉबी को, 2000 रुपए जीत लिए यशराज ने जो दिए थे उनके टीम के प्रोपराइटर संतोष कोहली जी ने। बॉबी थोड़े से दबाव में, पहले गेंद बहुत अच्छी रही थी लेकिन उसके बाद जो गेंद लेग स्टंप के बाहर गई उस पर बड़ा हिट लगा, उसके बाद दबाव में आ गए।
उसके बाद फुल टॉस, अगली गेंद स्लॉट में दे दी तो बल्लेबाज ने उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में। अब यशराज कहते हुए यहां है मेरा राज। दरमियान आगमन झालेले आहे ज्यांनी आम्हाला अजून बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था करून दिली असे आदेश नाईक यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय। कमबैक कराते हुए यशराज इस वक्त अपनी टीम को, क्योंकि काफी पिछड़ रही थी, अब स्कोर देखिए तो 28-28 तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस बार फिर से बल्ला चला, सवाल पूछा, गेंद पैरों से टकराई थी, अंपायर ने मना कर दिया। अट्ठाईस 28, ये देखिए खिलाड़ी बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया इस वक्त अगर हम देखें तो बल्लेबाज के। सिली पॉइंट पर लगा दिया है इस वक्त एक खिलाड़ी को। बॉबी की अगली गेंद, इस बार अराउंड दी लेग्स, क्लीन बोल्ड, बहुत बड़ा झटका और बदला ले लिया बॉबी ने अपना। शंकर दादा हले दिलदार, कैसी गज तेरे हो जगदार। डीजे आता अपन एक अजून सत्कार करूया, मी विनंती करेन शंकरदा जोकर अपन पुढचे सत्कार मूर्ति आहेत सन्माननीय जयू नाईक मनसे अध्यक्ष ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सीरीजची सुंदर अशी ट्रॉफी दरवर्षी देतात, यावर्षी देखील दिलेले आणि त्यांची ट्रॉफी खूप चांगली असते आणि ही त्या ट्रॉफीची हाईट चांगली असते, ट्रॉफी दिसायला चांगली असते असे यंग आणि डॅशिंग नेतृत्व मनसे शहर अध्यक्ष जयू नाईक यांचा सत्कार आपण स्क्रीनवरती बघू शकता। आमचे शंकरदा जोकर यांच्या माध्यमातून हा सत्कार केला जातोय। जयू नाईक यावर्षी त्याचा संघ आपण बघितला नाही, मात्र त्यांचं नेहमीची ट्रॉफी त्यांच्या आईच्या नावाने मॅदसीची ती आमच्यापर्यंत पोहोचली, त्याबद्दल त्यांचा हार्दिक आभार जयू नाईक। तसेच मी दुसरा सत्कार करू इच्छितोय सन्माननीय ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था केली असे आदेश नाईक यांचा देखील आपण सत्कार करूया। आदेश नाईक यांचा आपण सत्कार करतोय। तर मी शंकरराज जोकर यांना विनंती करतोय की आपण आदेश नाईक यांचा देखील सत्कार करून घेऊन काढून घ्यायचा आहे। आदेश नाईक ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती। अमोल ठाकुर आहे चौथा ओवर लेकर, पहली गेंद प्ले एंड मिस। आइए आगे की कहानी आप सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर भिवंडी शहर के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आवाज मजहर खान की जुबानी। हे बघू शकता आदेश नाईक यांचा सत्कार केला जातोय ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था करून दिलेली आहे, दुसरे बिस्लरी सप्लायर्स आमचे आदेश नाईक। बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। दर्शन नाइक, तो पिछली गेंद नो बॉल रही थी, गेंदबाजी में अमूल ठाकुर, लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर तेज बल्ला घुमाया लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए वहां बल्लेबाज, अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है। कुणाल थोड़े से नाराज है क्योंकि लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसके ऊपर बड़ा हिट नहीं लगा पाए वो, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करके आउट हुए है बल्लेबाज यशराज, पिछले ओवर में गजब की उनकी बल्लेबाजी रही थी। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर अमूल की, वाइड यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी जिसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज सुशांत। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 30, 4 विकेटें गंवाने के बाद। ओम साई ढाबा दापोड़े स्पोर्ट्स, क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन में आए बिना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर, लाजवाब गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई अमूल द्वारा। पहली गेंद नो और उसके बाद कमाल की गेंदबाजी, अमूल पूरे दिन आज छाए रहे। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और आउट। सुशांत की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। मित्रांनो प्रिंस मूवीच्या माध्यमातून हे जे लाइव प्रक्षेपण आपण पाहतोय अतिशय नीट अँड क्लीन, खूप चांगलं लाईव्ह कॅमेरा वर्किंग या तिन्ही दिवसामध्ये आम्हाला लाभलेलं आहे।
ते म्हणजे आमचे शिवसेना वाहतुकसेना अध्यक्ष तसेच नवनिर्वाचित विभाग प्रमुख टेमकर पाडा आदिवासी पाडा गजेंद्र गोळी आणि शिवसेना विभाग प्रमुख आर्यन सिटी प्रदीप पाटील यासकडून ही सुविधा आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली 3 दिवसांमध्ये. आणि प्रिन्स मूवीजने अतिशय चांगलं कार्य केलेलं आहे. एका कॅमेऱ्याने त्यांनी बऱ्याचशा अँगल्समध्ये आणि रिप्लायमध्ये आम्हाला बरंचसं सहकार्य केलं आहे. पंचांची बरीचशी भूमिका त्यांनी अगदी सोपी करून ठेवलेली आहे. त्याबद्दल देखील हार्दिक त्यांचा आभार व्यक्त करतो आहे. तसेच या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचच्या सुंदर ट्रॉफ्या आपण बघत आहेत. कल्पेश गुळवी यांनी आम्हाला त्या दिल्या आणि बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समॅन आमचे लाडके विशेष कार्यकारी अधिकारी SCO ज्या नावाने ओळखतात योगेश गुळवी यासकडून आम्हाला या सुंदर ट्रॉफ्या स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचं देखील मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आहे. सचिन तरे आणि योगेश तरे यांनी आम्हाला या स्पर्धेला चांगलं योगदान लाभून दिलेलं आहे आर्थिक स्वरूपात. तसेच शिवसेना शाखेकडून देखील भादवड टेमगडपाडा शाखेकडून देखील आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभलं. प्रल्हाद नाईक यांच्याकडून देखील आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभलेलं आहे. मुग्धा धाब्याचे प्रोप्रायटर शरद म्हात्रे याचकडून आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभलेलं आहे. अमूल विकेट लेने के बाद बहुत बढ़िया लाइन के ऊपर ये गेंद, वहां पर गेंद की लाइन में आए बिना ही बल्लेबाजी की जा रही है. नए बल्लेबाज आए हैं करण ने आज के दिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया की है. पिछले मैच में उन्होंने जो गेंदबाजी की 2 और 2 विकेटे 6 विकेटे और 2 रन कमाल का वो परफॉर्मेंस रहा. लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी. एक बार फिर से हुक करने की कोशिश की तो ओवर की समाप्ति होती हुई गजब का ओवर रहा यहाँ पर अमूल का. सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने और एक अहम विकेट निकाला है. तो शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है अमूल द्वारा. तर आपण पुढच्या सत्कारासाठी वळवलिया मी आमंत्रित करतोय संजय नाना म्हात्रे आपणास यायचे आहे. आपल्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जाईल. आमचे पुढचे सत्कार मूर्ती आहेत ज्यांनी या स्पर्धेला आम्हाला मॅन ऑफ द सीझन कूलर दिलेला आहे. असे रुपेश जुकर आपणास विनंती आहे की आपण पुढे यायचं आहे. रुपेश जुकर संजय नाना म्हात्रे आपण देखील पुढे यायचे आहे. आपल्या शुभ हस्ते ज्यांनी या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून कूलर स्पॉन्सर करण्यात आहे असे रुपेश जुकर यांचा सत्कार करतील संजय नाना म्हात्रे यांनी देखील स्वतःनी देखील आम्हाला या स्पर्धेसाठी चेंडूंची पूर्तता दिलेली आहे. एक मात्र आपल्या गावातील कुस्तीपट्टू त्यांचंही चांगली कामगिरी चांगले कुस्तीपट्टू तयार करतात आपल्या गावातून असे संजय नाना यांच्या शुभ हस्ते रुपेश जुकर ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून कूलर दिला आहे त्यांचा आम्ही आज सत्कार करतो आहे. त्याचा स्वीकार करावा. तसेच मी विनंती करेन मंचावर उपस्थित आहेत आमच्या आदरणीय समाजसेवक विजयदादा पाटील आम्ही यांचा देखील सत्कार करू इच्छितो. विजयदादा पाटील आमचे पुढचे सत्कारमूर्ती असतील. त्यांचा देखील मी सत्कार संजयनाना म्हात्रे यांना विनंती करेल कर विजयदादा पाटील यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. तर पुढचा सत्कार आपण बघू शकता. विजयदादा पाटील नेहमीच समाजकार्यामध्ये अग्रेसर असणारे आणि शंकरदास जोकर यांचे जवळचे मित्र त्यांचा हा सत्कार आपण या मंचावर करतोय. आर्यन चषक 2022-23 निमित्ताने अतिशय चांगलीशी पर्सनॅलिटी आणि समाजकार्यात नेहमी अग्रेसर असणारे विजयदा पाटील यांचा हा सत्कार आम्ही आर्यन चषक 2022-23 या स्पर्धेत करतोय. धन्यवाद दादा. मॅच सुरू करून घ्यायची आहे. तो लास्ट ओवर का खेल अब यहां पर शुरू हो चुका है. पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज कुणाल ने. सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36 पर. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज धीरज. एक बार फिर से वहां बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए. अलोंग द कार्पेट इस गेंद को खेल दिया और देखना है मिसफील्ड होती हुई सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है. अब जाकर गेंद को फील्ड किया उसी बीच तीसरा रन भी अब पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन आए इस गेंद के ऊपर. बेहतरीन स्ट्रोक और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई बल्लेबाज कुणाल द्वारा.
शंकर जुकर या दादाला तरुण पीढ़ी चा है आधार तरुण पीढ़ी चा है आधार तरुण पीढ़ी चा है आधार नेता आमचा आहे तो साधा पर लई सारेंचा मनात बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद थी और बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर पंच स्ट्रोक और कवर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 44। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी वहां पर और पुल कर दिया और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर आते हुए अब बल्लेबाज कुणाल के बल्ले से कीर्तन आज या जिल्ह्यात आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेम घर पाड्यान आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेम घर पाड्यान आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेम। लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक 3 सिक्सर लग चुके हैं और कुल मिलाकर 20 रन खर्च कर चुके हैं वहां पर धीरज। थोड़ा महंगा ओवर यहां पर स्लॉग ओवर रहा है धीरज का, अभी भी दो गेंदें बची हुई है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई कुणाल द्वारा अपने इनिंग में अब तक 28 रन बनाकर खेल रहे। सिक्सर की हैट्रिक पर है जबकि यशराज ने सिक्सर की हैट्रिक लगा चुकी है और जो टीम के स्पॉन्सर उनकी तरफ से ₹2000 का इनाम भी है संतोष कोहली साहब की तरफ से ₹2000 का इनाम। देखना है क्या दूसरे बल्लेबाज बनते हैं इस मैच में सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले और उसी बीच वहां पर खेल जाए इस गेंद को और आउट आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज कुणाल। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की वहां कुणाल ने 10 गेंदों का सामना किया और 28 रन बनाए। लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर भी लगाए थे और हैट्रिक सिक्सर लगाने की कोशिश की लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं। हालांकि हैट्रिक सिक्सर लगाते रकीब तो फिर बल्लेबाज के पास मौका था ₹2000 कमाने का, रोकड़े के चक्कर में कहीं ना कहीं झोपड़ा उजड़ गया है। नए बल्लेबाज अब आया है चेतन। धीरज अब तक इस ओवर में एक विकेट हासिल किया उन्होंने और 20 रन खर्च किए। एक गेंद और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए और सामना करेंगे नए बल्लेबाज चेतन। आते ही साथ वहां पर पूरी तरह से घूम कर खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने और आउट हो गए वहां बल्लेबाज करण। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मेगा फाइनल में रन बनाए ओम साई धाबा दापोले स्पोर्ट्स ने रन बनाए है 50 और 51 का टारगेट रहेगा इस वक्त प्रांशी 11 के सामने। गेंदबाजों ने यहां अपना काम किया है अच्छी गेंदबाजी की है अब देखना है कि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते ये देखने वाली बात रहेगी। तो अपन पुढच्या सत्काराकडे जाऊया। मी विनंती करेल शंकरदास जुकर आपल्या शुभ हस्ते पुढचा सत्कार केला जाईल। हा सत्कार केला जातोय ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी सुंदर अशा मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफ्या स्पॉन्सर केलेल्या आहेत। ओमसाई दाबा आपण क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचं लगेचच। ओमसाई दाबा असे आमचे युवा डॅशिंग नेतृत्व कल्पेश गुलवी ज्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या स्मरणात ही मॅन ऑफ द मॅचची सुंदर अशी ट्रॉफी आम्हाला स्पॉन्सरशिप म्हणून दिलेली आहे। अतिशय सुंदर अशा ट्रॉफ्या बघू शकता मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या खेळाडूला भेटेल तो खुश होतोय। ती आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली होती सन्माननीय कल्पेश गुळवी याचकडून ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केली त्यांचा आम्ही इथे सत्कार करतो। धन्यवाद कल्पेश गुळवी। तसेच मी पुढील सत्कारासाठी आमंत्रित करतोय ओमसाई धाबाचे प्रोप्रायटर सन्माननीय संतोष कोळी यांचा आम्ही सत्कार करतोय। शंकर जुकर आपणास संतोष कोळी दांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे।
आमचे पुढचे सत्कार मूर्ती आहेत. ओम साई धाबा हा सर जो संघ खेळतोय त्याचे प्रोप्रायटर संतोष कोळी यांचा सत्कार शंकर दाजूकर यांच्या शुभ हस्ते या आर एन चषक 2022-23 मध्ये इथे केला जातोय. हे बघू शकता आपल्या स्क्रीनवरती संतोष कोळी यांचा हा सत्कार आपण करतोय या मंचावरती. धन्यवाद. तसेच मी विनंती करेल तसेच आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती असतील सन्माननीय शिवसेना नवनिर्वाचित विभाग प्रमुख भादवट टेमगडपाडा आणि आदिवासी पाडा यातील विभाग प्रमुख निर्वाचित झालेले गजेंद्र गुळवी ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेला लाईव्हची जी व्यवस्था प्रिन्स म्युझिकच्या माध्यमातून झाली होती ती करून देण्यात आलेली आहे. असे गजेंद्र गुळवी यांचा देखील आपण सत्कार करू इच्छित. ते शिवसेना विभाग प्रमुख आहेत टेमगडपाडा भादवड आणि आदिवासीपाडा अशा क्षेत्रात. चला क्षेत्र लावून घ्यायचं आहे आणि फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत. तर आम्ही शंकरदास दूधकर यांना विनंती करते की आपण गजेंद्र गुळवी साहेबांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. पुढचे आमचे सत्कार मूर्ती बघू शकता आपल्या स्क्रीनवरती सन्माननीय शिवसेना विभाग प्रमुख भादवट टेमगडपाडा आदिवासीपाडा गजेंद्र गुळवी यांचा हा सत्कार केला जातोय ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी लाईव्ह प्रक्षेपण जे झालेलं आहे ते सहकार्य स्वरूपात प्राप्त झालं होतं. असे गजेंद्र गुळवी ज्यांना काही कारणास्तव कार्यक्रमाला दुसऱ्या जायचं आहे त्यामुळे ते आमची रजा घेतात. तुम्ही आमच्या या स्पर्धेला आलेत आणि आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल तुमचं हार्दिक आभार. काही कारणास्तव त्यांना मुंबईला जायचं आहे त्यामुळे ते अंतिम सामन्याच्या बक्षीस वितरण समारंभासाठी थांबू शकत नाही आहे. दरम्यान तुम्ही आमच्या स्पर्धेला आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल धन्यवाद. पंच सामना चालू करून घ्यायचा आहे. थँक्यू. दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं इस वक्त. प्रांशील एवं ठाकराचा पाड़ा की तरफ से एक है अमूल ठाकुर तो दूसरे हैं धीरज. देखना है धीरज कितनी धीरज से बल्लेबाजी करेंगे और क्या ठाकुर साहब अपने हाथों का जलवा दिखाएंगे. देखिए शोले का वो डायलॉग बहुत मशहूर था, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे जब गब्बर ने कहा था. और जब अमूल ठाकुर बल्लेबाजी करते हैं अपने रन तो गेंदबाज भी कहते हैं ठाकुर ये हाथ हमें दे दे. धीरज स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक रन पर है. अमोल ठाकुर गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं. शेलार की तलवार निकलेश शेलार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने जा रहे हैं शाम नाइक गैलरी एंड से. पहली गेंद बहुत जबरदस्त गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में रखा था, मौका नहीं डायरेक्ट हिट किया लेकिन बच गए बल्लेबाज सेफ क्रीज में पहुंचते हुए. पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ अपना और अपनी टीम का वहां पर खाता खोला है धीरज ने. देखिए जो लक्ष्य है 51 रनों का है 51 जो आस्किंग रन रेट है बहुत ज्यादा नहीं है 10.20 का है 10.20. और इस मैदान पर अगर हम बात करें तो हमने एक से बढ़कर एक रन चेस देखे. 84 रन चेस किए थे आईक्विरा भादवड़ के सामने आर्यन 11 भादवड़ ने. 94 रन का जब लक्ष्य था जोहान स्पोर्ट के सामने तो क्या गजब का चेस किया था लेकिन 5 रन से मैच को हारी थी. इस बार फुल टॉस फुल टोल के मारा हुआ सिक्सर. शिवरायांची घेऊन आना पोर खेळतन मैदानान पोर खेळतन मैदानान पोर खेळतन मैदानान मारती चौकार षटकार आज भादवड टेमगर पाड्यान आज भादवड टेमगर पाड्यान आज भादवड टेमगर पाड्यान हे शंकर दादाने सामने. देखिए पहले ही कहा था जब अमोल ठाकुर अपने रंग में खेलते हैं तो गेंदबाज कहते हैं ठाकुर ये हाथ हमें दे दे. बहुत घातक बल्लेबाज हैं. पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर अपना खाता खोला है. टोटल स्कोर है 7 रन्स. ऑफिशियल स्कोरिंग की भूमिका आज के दिन निभाई है केवल ने. आर्यन 11 भादवड़ के एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं. अगली गेंद एक और फुल टॉस एक और ताबड़तोड़ स्ट्रोक ये गेंद भी जाएगी आउट ऑफ द पार्क 6 रन.
आदर्श गावाच शंकर दादा ने सामने ठेविले पाहुनी आदर्श गावाच आर्यन चषक ठेवला यो भादवर टेमगर पाड्यान आर्यन चषक इस वक्त अगर हम देखिए तो बैक टू बैक दो सिक्सर लगा चुके हैं। सिक्सर की हैट्रिक में अमोल ठाकुर फुल टॉस बल्ले का बाहरी किनारा। ये देखिए विकेट कीपर आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच के लेने गए, उल्टा गेंद को बचाने गए। अमोल ठाकुर का विकेट था ये, अगर लपक लेते तो बहुत बड़ा झटका था। वहां पर निकलेश शेलार थोड़े से नाखुश हैं। दर्शक अब बढ़ चुके हैं क्योंकि मेगा फाइनल है और क्या गजब का मैच हो रहा है। एक से बढ़कर एक क्लोज काउंटर हमें देखने को मिले इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत जबरदस्त मैचेस क्लोज काउंटर हुए, सभी के सभी आखिरी ओवर तक गए। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में 11 हैट्रिक सिक्सर लगे, 11 दो हैट्रिक विकेट देखने को मिला और एक मेडन ओवर जो किया था वो सोनू थे हमसाई टेमघर के, इन्होंने किया था जोहान स्पोर्ट के सामने। निकलेश शेलार मुड़ते हुए अमोल ठाकुर के लिए फुल टॉस, इस बार खेल दिया हवा में, चेतन उसके नीचे, बहुत बड़ा झटका लग चुका है इस वक्त अपरांशी 11 ठाकराचा पाड़ा को। बहुत अहम विकेट हासिल किया इस वक्त दरमियान शेलार ने। हमें पुढचा सत्कार करू इच्छित सन्माननीय शिवसेना शाखा प्रमुख पंडित दादा भोईर यांचा देखील आम्ही सत्कार करू इच्छितो। तर मी विनंती करेन शंकरदा जुकर आपणास परत एकदा की पंडित दादा भोईर शिवसेना शाखा प्रमुख यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे, ज्यांनी आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभलेले आहे त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी, ही स्पर्धा पार पाडण्यात। आणि पंडित दादा नेहमी आम्हाला क्रिकेटचे देखील मार्गदर्शन करतात, सकाळच्या आमच्यासोबत नेहमी प्रॅक्टिसला देखील असतात आणि आमच्या संघाला देखील ते नेहमी प्रोत्साहित करतात, असे पंडित दादा भोईरांना बघता स्क्रीनवरती ज्यांचा सत्कार शंकरराज जुकर यांच्या शुभ हस्ते केला जातो आहे, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन होत आहे आणि त्यांनी आम्हाला ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी आर्थिक सहकार्य देखील केलेलं आहे, असे पंडित दादा भोईर। तसेच मी पुढील सत्कार करू इच्छित आहे, आमच्यामध्ये उपस्थित आहे सन्माननीय शिवसेना शाखाप्रमुख गुरुनाथ तरे, गुरुनाथ दादा यांचा देखील आम्ही सत्कार करू इच्छितो। गुरुनाथ दादा यांचा आपण सत्कार करूया। मी परत एकदा शंकरदा जोकर आपणास विनंती करतोय, जय भवानी या नावाने अतिशय प्रचलित आहे दादा। ये देखिए एक और फुल टॉस और नए बल्लेबाज ने भी अपना खाता खोला है सिक्सर की मदद से। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 19 रनों पे पहुंचा है। स्क्रीन वरती शिवसेना शाखा प्रमुख जय भवानी गुरुनाथ तरे यांचा हा सत्कार इथे या आर्यन चषक 2022-23 मध्ये पाहुण्यांच्या आणि आमच्या सर्वांच्या उपस्थित मध्ये केला जातोय। धन्यवाद दादा, तुम्ही आमच्या या स्पर्धेला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आणि आपला मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय या आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन आपण या स्पर्धेला उपस्थित राहिल्याबद्दल। सामना चालू करून घ्यायचा आहे, देखिए फील्ड को सजा लेना है प्लीज। ओमसाई धाबा दापोड़े संतोष कोहली फैम टीम, ओमसाई धाबा दापोड़े उनके सामने है दीपेश ठाकुर फैम टीम, प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा। देखिए प्रांशी 11 के बारे में मजहर खान आपको बताता चलूँ, लास्ट ईयर इस टीम ने सिटी मर्जिंग क्रिकेट में इंटर किया, उस वक्त इस टीम का नाम था DK 588। दीपेश ठाकुर इस टीम के प्रोप्राइटर, उनके परिवार में खुशी का मौका शामिल हुआ, एक अनन्नी परी ने उनके परिवार में जन्म लिया, प्रांशी उनके नाम से इस सब टीम का नाम बदला गया प्रांशी 11। और देखिए नाम बदला है और ऐसा लग रहा है कि क्या भाग्य बदल जाएगा। अब मेगा फाइनल तक पहुंची है पहली दफा और क्या पहली दफा में ही बन जाएगी चैंपियन
या फिर इनके सपने को ले उड़ेगी ओम साई धाबा दापौड़े। लास्ट ईयर इनका भी सपना अधूरा रह गया था शिवास ट्रॉफी में युग 11 मालोड़ी के सामने। दरमियान आमच्या इथे आगमन झालेले सन्माननीय श्रीनाथ अंकल ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी सलग 3 दिवस महापालिकेकडून ग्राउंड परमिशन काढून दिलेली आहे कायदेशीररित्या, त्याबद्दल मी त्यांचा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। पहली गेंद करण की रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश थी वहां पर बल्लेबाज की, लेकिन सफल नहीं हुए, डॉट बॉल। आज एक नया चैंपियन मिलने वाला है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को, देखना है क्या वो उमसाई धाबा दापोड़े या फिर ब्रांची 11 ठाकरा चापाड़ा। देखिए जो इस वक्त दर्शक बाउंडी लाइन के अंदर है, आपको बाहर हटना है प्लीज। सैंडी पाटिल आपको वहां पर पहुंचना है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, एक और विकेट। शिवरायांची घेऊन आन पोर खेलतन मैदानान, पोर खेलतन मैदानान, पोर खेलतन मैदानान, मारती चौकार षटकार आज भादवड टेमगर पाड्यान, आज भादवड टेमगर पाड्यान, आज भादवड टेमगर पाड्यान, हे शंकर दादा। थैंक यू डीजे। देखिए पिछले मैच में करण ने 6 विकेट हासिल किया था, इस मैच में भी उन्हें वही रूप धारण करना होगा अगर अपनी टीम को वापसी कराना है और चैंपियन बनाना है। नए बैट्समैन है इस वक्त निखिल। देखिए अब निखिल को अपनी टीम की जीत की खील ठोकनी होगी, टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी विकेट पर, क्योंकि धीरज अमोल दोनों ही ओपनर बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं। करण के ऊपर काफी दारोमदार है, बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं इस वक्त बीच मैदान पर। निखिल, निखिल ने भी एक अच्छी पारी खेली थी पहले ही मैच में, जब शुरुआत खराब हुई थी प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा की, पहले ही ओवर में बैक टू बैक गिर गए थे पहली 2 गेंदों में, उसके बाद निखिल ने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। इस बार अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर, अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज ने रन लेना चाहते थे दक्षत, लेकिन मना किया निखिल ने वहां पर। करण शुरुआती 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं, 1 विकेट वापसी कराते हुए पहले ओवर में जो रन बने थे उसकी भरपाई कर रहे हैं। लोअर फुल टॉस अगेन, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग। ये देखिए करण अच्छी गेंदबाजी करें और क्या फील्डिंग करें अपने फॉलो थ्रू में, बिल्कुल मजहर खान जिस तरह रविंद्र जडेजा जब गेंदबाजी करके अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ते हैं, उसी तरह करण भी बहुत जबरदस्त अंदाज में। अभी तक कोई भी रन नहीं, 1 विकेट करण दूसरी ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में, अब दबाव बढ़ाते हुए प्रांशी 11 ठाकरा चापाड़ा पे। देखिए दबाव दोनों टीमों पर है क्योंकि मेगा फाइनल है, दाव पर है खिताब। लोअर फुल टॉस हवा में, कुणाल वहां पर थे लेकिन मिस जज और गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शंकर दादा ने सामने ठेविले पाहुने आदर्श गावाच, शंकर दादा ने सामने ठेविले पाहुने आदर्श गावाच, आर्यन चषक ठेवला यो भादवड टेमगर। थैंक यू डीजे। इस वक्त गजब की गेंदबाजी कर रहे थे करण, लेकिन पिछली गेंद पे फुल टॉस गेंद पर चौका लगा उन्हें करण। एक बार फिर मुड़ते हुए निखिल के लिए, इस बार अपने फॉलो थ्रू में चूके। देखना है आज जीत का जश्न कहां मनेगा, ठाकरे चापाड़ा या फिर दापोड़े में। ये देखिए अक्सर गेंदबाज डिस्टर्ब करने के लिए भी ऐसा करते हैं, बल्लेबाज को रुक जाते हैं अपने फॉलो थ्रू में ही। इस बार स्विच हिट की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब हुए वहां पर बल्लेबाज निखिल, प्लेन मिस डॉट बॉल। इसी के साथ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल रन बने अगर हम देखें तो 23 जो आस्किंग रन रेट था उससे आगे चल रही है 23। अब मुकाबले में रोमांच बढ़ चुका है क्योंकि करण ने अच्छी वापसी कराई है,
वो पिछली गेंद पर अगर कैच पकड़ा जाता तो पिक्चर और भी ज़्यादा बदल जाती और चौका भी मिला, साथ ही साथ मौका भी। निखिल एक बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज हैं, हीरो रहे थे अपनी टीम के लिए पहले मैच में। संजय नाना अपना विनंती है, संजय नाना मात्रे अपना विनंती है कि आपला शुभ हस्ते योगेश तरे यांचा सत्कार आपण करून घेऊया। योगेश तरे ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला आर्थिक सहकार्य लावलेले असे योगेश तरे यांचा आपण सत्कार करून घेऊया। सत्कार करतील संजय नाना मात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जाईल। आपण बघू शकता योगेश नाना मात्रे यांच्या शुभ हस्ते योगेश तरे याचा सत्कार, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहकार्य लाभून दिलेले असे योगेश तरे यांचा सत्कार संजय नाना मात्रे यांच्या शुभ हस्ते केला। धन्यवाद योगेश तरे, आपण या स्पर्धेला आलात। तो आइए आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। खिताबी जंग चल रही है, देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथ लवकर लवकर। तसेच आगमन झालेले ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समनच्या ट्रॉफी आलेल्या आहेत। टायमर लावलेला आहे, ऑफिशियल वॉर्निंग अंपायरिंगकडे आलेले फिल्डिंग करणाऱ्या संघासाठी। तो ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद वहाँ पर गेंदबाज चेतन की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, फ्लोर लेंथ की गेंद रही थी, जहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज दक्षत शिंगोले। पहले दो ओवर में जो रन बने हैं 23 और 2 विकेटें भी गिरी है। अभी यहाँ से हम देखें तो 28 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना आउट, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज निखिल। डायरेक्ट मंकी विकेट है विदाउट कॉलिंग नियमानुसार। जी बिल्कुल, अब ये नियम जो है चेंज हो चुका है, अब आपको एम्पायर को कॉल नहीं देना होता है, अब डायरेक्ट आप मंकट विकेट ले सकते हैं और वही यहां पर दिखाया है गेंदबाज चेतन ने। तो निखिल का यहां पर विकेट गिरा है और ये तीसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ। वैसे भी जब आप क्रिकेट खेलते हैं रकीब तो दिमाग को बहुत ज्यादा तेज रखना होता है और वही दिखाया यहां पर चेतन ने। लेकिन समय में देखिए थोड़ा सहयोग करना होगा आप लोगों को, पहली ऑफिशियल वार्निंग भी आ चुकी है। आप बल्लेबाज आपको थोड़ा फास्ट जाना है। बॉल काउंट नाही आहे। दरम्यान ज्या सुंदर ट्रॉफी बघतोय बेस्ट बॉल्समॅन आणि बेस्ट बॉलरच्या ज्या स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहे विशेष कार्यकारी अधिकारी योगेश गुळी याचकडून, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो। ते आमच्या अंतिम सामन्यामध्ये उपस्थित राहिलेत। चेतन इस बार देखने लॉफ्ट कर दिया है और देखते रह गए वहां पर खिलाड़ी, गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ दक्षत शिंगोले द्वारा। आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवलायो पदवर टेमगर पाड्यान। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दक्षत शिंगोले, कैप्टन नॉक इस वक्त खेलते हुए। 2 सिक्सर अब तक अपनी इनिंग में लगा चुके हैं और अब तेजी स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिक्सर की मदद से 29। एक हमारी एक तुम्हारी, जब पिछली गेंद दौड़ती इस बार सिक्सर लगाया वहां बल्लेबाज ने। कमाल का ये मेगा फाइनल का मुकाबला चलता हुआ आर्यन ट्रॉफी 2022-23 का ये मेगा फाइनल का मुकाबला। 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त प्रियांशी 11। फिर से जाएंगी ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त दक्षत शिंगोले इस वक्त आग उगलते हुए।
क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्षेत्र लाऊंगे धाव संख्या संघ जे। देखिए हर गेंद के ऊपर आपको अब मीटिंग नहीं करनी है, ये पहली वार्निंग आपको एम्पायर की तरफ से दे दी गई है। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और खेल की शुरुआत करनी है। 15 गेंदे और जीतने के लिए जो रन अब यहां से है वो है 16। दक्षा शिंगोले वापस से अपनी टीम को मैच में लाते हुए 16 दावा। इसी तरह की बल्लेबाजी उन्होंने बाली ट्रॉफी में की थी और प्लेयर ऑफ द डे बने थे। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मेगा फाइनल में बड़े मैच में इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी दक्षा द्वारा। देखिए दोनों ही टीमें, बल्लेबाजी वाली टीम और फील्डिंग वाली टीम, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। सिक्सर के हैट्रिक पर वहां बल्लेबाज इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ। इस बार बेहतर गेंद रही थी चेतन की, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा, एक रन और स्कोर जा पहुंचा इस एक रन की मदद से 36 पर। नए बल्लेबाज आए हैं डायनल। लोअर फुल टॉस गेंद, लगान की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज डायनल और लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। ये देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश की, वही कारण थे कि उतना एलिवेशन और उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी। मैं पुढील सत्कार करू इच्छितो सन्माननीय सचिन तरे, आमचे पुढील सत्कार होते आहेत। शंकरदास जुकर आपणास विनंती आहे की आपण सचिन तरे एक युवा नेते आणि युवा नेतृत्व म्हणून त्याच्याकडे आम्ही बघतोय, समाजकार्यामध्ये नेहमी अग्रेसर असतात आणि कुठल्याही समस्येला ते नेहमीच पुढे येतात असे आमचे सचिन तरे, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला देखील या स्पर्धेला आर्थिक सहकार्य लाभलेले आहेत, त्यांचा सत्कार आपण टी व्ही स्क्रीनवरती आपण बघतोय करणार आहोत या मंचावरती आर्यन चषक 2022-23 निमित्ताने या अंतिम शुभ सोहळ्यासंबंधी सत्कार करतो आहे सचिन तरे, ज्यांचा सत्कार करतील शंकरा जुकर ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पर्धेला आर्थिक सहकार्य लाभलं आणि नेहमीच सचिन तरे आमच्या संघाला सपोर्ट देखील करतात स्पर्धेमध्ये आणि आम्हाला मार्गदर्शन करतात। नए बल्लेबाज आए है आकाश, 13 गेंदे और जीतने के लिए अब जो रन है वो है 15, 13-15 का इक्वेशन। लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर लगाने के बाद नॉन स्ट्राइक पर वहां दक्षत गए और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, उसी बीच वहां पर कट करने की कोशिश और ओवर की समाप्ति। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर चेतन की लास्ट गेंद। अब यहां से दो ओवर का खेल बचा और जीतने के लिए जो रन है वह 15, लेकिन अभी भी वहां पर डेंजरस खिलाड़ी दक्षत मौजूद है। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर अब तक हम देखें तो 36 रन, 4 विकेटें गंवाने के बाद प्रांशी 11। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और खेल को शुरू करना है। अब देखना है 12 गेंदे बची हुई है, 15 रन बची हुए, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी ये देखने वाली बात रहेगी, प्रांशी 11 या फिर ओम साई स्पोर्ट्स, ये देखना होगा। गेंदबाजी में एक बार फिर से करण को बुलाया गया है, पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी उनकी रही थी करण, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए आते हुए कंटिन्यू रखा है उन्हें। सर सामना चालू करून घ्यायचा लवकरात लवकर। दक्ष शिंगोले सामना करेंगे वहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद का करण। पहली गेंद वहां पर करण की, देखना इस गेंद को खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट हो गए।
बड़ा विकेट की इस वक्त गिरता हुआ दक्ष शिंगोले जो पिछले ओवर में टूट पड़े थे चेतन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर करण के सामने एक ना चली और अपना विकेट इस वक्त गवाकर वापस लौटते हुए। संजय नाना मात्रे अपना सुनिंद का अपन पुढ़ा सत्कार करूँ घया आम पुढ़ सत्कार मूर्ति है शिवसेना शाखे अध्यक्ष और नेहमीच क्रिकेट वन नितान्त प्रेम असणारे सुरेश दादा पाटील यांचा आपण आता सत्कार करणार आहोत। आणि सत्कार करतील आमचे कुस्तीपट्टू आणि आर्यन इलेव्हनचे खंदे समर्थक संजय नाना म्हात्रे। संजय नाना म्हात्रे यांनी देखील स्वतःहून आम्हाला या स्पर्धेसाठी चेंडूंची व्यवस्था करून दिलेली आहे। हा बघू शकता हा सत्कार हा सन्मान आम्ही आमच्या या मंचावरती करतोय सन्माननीय सुरेश दादा म्हात्रे यांचा। दादा नेहमीच आम्हाला क्रिकेट संबंधी मार्गदर्शन करत आहात आणि आमच्या अंतिम सामन्याला प्रमुख उपस्थिती लावली त्याबद्दल हार्दिक आभार। तसेच आम्ही अजून एक सत्कार करू शकतो मी पुन्हा एकदा संजयनांना मात्रे आपणास विनंती की आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती आहेत सुमित पाटील मॅन फ्रॉम पिंपळगर यांचा हा सत्कार केला जाईल ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेला फर्स्ट एड किट उपस्थित झालेलं आहे ज्यांच्या माध्यमातून मेडिसिन्स आम्हाला खेळाडूंसाठी उपस्थित आहेत त्यांचा सत्कार आपण करतोय मंचावरती। नए बल्लेबाज आए हैं बॉबी और पहली गेंद वहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज सुमित पाटील है आदिवत इलेवन संघाचे आमच्या दुसऱ्या संघाचे कर्णधार देखील आहेत। धन्यवाद सुमित पाटील। तो एक रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 37 पर जा पहुंचा है। करण अब तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, इस बार फ्लिक करना चाहते थे वहां पर देखना है। एक रन एक बार फिर से आता हुआ चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है वहां गेंदबाज करण द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर फ्लिक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एम्पायर ये बताए कि ये जो रन है ये बिल्कुल अब जाके लेग बाय का इशारा आता हुआ। बॉबी एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर करण का। करण जो कि पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे हैं, पिछले मैच में तो गजब की गेंदबाजी रही थी उनकी जहां पर 6 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और इस मैच में भी अब तक 2 विकेटें और उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद। फिर से सिंगल रन, आजादी भरी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे वहां पर करण। चैनल में गेंदबाजी होती हुई आठ गेंदे और 12 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आकाश क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे। ये देखिए किस तरह से ये डॉट गेंद रही है, बाहर की तरफ गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से देखने को मिलती हुई करण द्वारा। इकोनॉमिकल गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज करण। अब तक इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने, एक गेंद और बची हुई, 7 गेंदे और जीतने के लिए रन है 12। अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया, देखना यशराज वहां पर मौजूद है। बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई लेकिन रन नहीं लिया है वहां पर बल्लेबाजों ने, अपने पास स्ट्राइक रखा है बॉबी ने। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स आम्ही पुढचा सत्कार करू इच्छितो। मी विनंती करेल शंकरदादा जुकर आपणास की पुढचा सत्कार करून घ्यायचा आहे। शंकरदादा जुकर आपणास विनंती असेल की पुढचा सत्कार करायचा आहे आणि पुढचा सत्कार केला जाईल सिद्धार्थ अंकल पाटील ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ग्राउंडची 3 दिवसासाठी परमिशन महापालिकेकडून काढून दिली असे आमचे लाडके सिद्धार्थ अंकल पाटील सर समाजसेवक नेहमी गावाच्या प्रश्नांसाठी पुढे येतात आणि त्या अडचणींना दूर करतात हा त्यांचा नेहमी प्रवास असतो असे आमचे सिद्धार्थ अंकल पाटील ज्यांनी आम्हाला या ग्राउंडची 3 दिवस परमिशन काढून दिली त्याबद्दल त्यांचा हार्दिक आभार। त्यांचा हा सत्कार या अंतिम सामन्याच्या दरम्यान आम्ही शंकरदादा जुकर यांच्याकडून करतोय आणि आर्यन इलेव्हन भादवा टेमगडपाडा यांच्या वतीने देखील करत जातो। तसेच आमच्या पुढील सत्कार मूर्ती देखील आहेत शिवसेना उपशहर प्रमुख सन्माननीय हरिभक्त परायण विश्वनाथ दादा महाराज नाईक यांचा हा सत्कार केला जाईल। हा सत्कार मी परत एकदा विनंती करतोय
शंकरदा जुकर आपल्या शुभ हस्ते दादांचा हा सत्कार केला जावा। जोरदार जा टाळ्या होऊन द्या। क्रिकेटचे निस्तीम चाहते आणि जय दुर्गा ए जो संघ होता त्याचे कोच होते, त्यांच्या कोचमध्ये जवळजवळ एका वर्षामध्ये सर्वाधिक फायनल जिंकण्याचा विक्रम जय दुर्गा संघाने केला होता अशा त्या संघाचे कोच आणि कट्टर हिंदुत्ववादी हरिभक्त परायण सन्माननीय शिवसेना उपशहर प्रमुख विश्वनाथ महाराज नाईक हा यांचा सत्कार। दादा आमच्या विनंतीला मान देऊन अंतिम सामन्यासाठी उपस्थित आहे, त्याबद्दल तुमचा हार्दिक हार्दिक आभार। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं दीपेश। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए थे सही तरीके से, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा वहां पर और सिंगल रन। देखिए जब करण गेंदबाजी कर रहे थे उनकी लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं लिया था बल्लेबाज बॉबी ने, लेकिन रिव्यू लिया गया इस वक्त। देखिए हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर जो कैमरे का एंगल इस वक्त आपकी तरफ नहीं था, पिच की तरफ नहीं था, हमारे वीआईपी डाइस पे था, तो आपका जो डिसीजन वो आपको देना है। ओके तो पहली गेंद वहां पर जिसपे सिंगल रन आया है, तो ये चीज मैं कह रहा था रकीब के लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल रन नहीं लिया लेकिन यहां पर लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल लिया गया है, ये किस तरह का क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पांच गेंद और 11 रन दीपेश। पहली गेंद हालांकि फुल टॉस गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन जो जिस तरह से गेंदबाजी करण ने की वो तारीफ के काबिल, अपने दो ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, हल्के हाथों से इस गेंद को कवर में खेल दिया है यश एक बार फिर से गेंद के ऊपर, लेकिन फिर से सिंगल रन। पहली दो गेंदें वहां पर गेंदबाज की और जिसपे सिंगल सिंगल रन। अब यहां से जो इक्वेशन है 4 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है 10, 4-10 का यहां से इक्वेशन, लेकिन पहली दो गेंदें वहां पर बेहतर गेंद जिसपे बड़ा हिट नहीं लगाने दिया है बल्लेबाजों को। एक चैंपियन टीम, ये 4 गेंदों के बाद हमें पता चल जाएंगी कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को अपने घर लेने जा रही है, प्रांशी 11 या फिर ओम साई स्पोर्ट्स, ये देखना होगा। बॉबी एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज दीपेश का। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार हम देख रहे हैं कि फुलर लेंथ की गेंदें, अच्छी लंबाई की गेंदें, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज, और उसी बीच देखना है एक रन तो इस गेंद के ऊपर आएगा और अपना विकेट भी गवाएंगे वहां पर बल्लेबाज, तो एक रन और एक विकेट। लगे क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचे, क्षेत्रक्षण लगे सजून घ्यायचे। देखिए एक चीज मैं कहूंगा रकीब के कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना एक बारीक सी लकीर होती है। आप कहेंगे ये काम मैं कर सकता हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप कहेंगे ये काम मैं ही कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। वही देखने को मिला था जब लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं लिया गया था, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी गेंदबाज दीपेश की। 3 गेंदे और 3 ऊपर सिंगल, नए बल्लेबाज अब आए हैं। क्षेत्र से सजू गए फील्डिंग संघाने, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए अगर अब यहां से एम्पायर का कॉल आता है, वार्निंग का कॉल आता है, सीधा पेनलाइज किया जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। 3 गेंदे और 9 रन, नए बल्लेबाज मयूर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है। वहां पर देखना है डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया, तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में देखने को मिलती हुई, तेज कदमों के साथ यहां पर ये 2 रन पूरे किए गए हैं। अब यहां से 2 गेंदे बची हुई और जीतने के लिए रन है 7, 2-7 का यहां से इक्वेशन, लेकिन पहली 4 गेंदे वहां पर बहुत ही बेहतरीन रही है। दीपेश अब तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, एक बार फिर से सामना करते हुए मयूर। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, देखना है डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। अच्छी दौड़ देखने को मिल रही, रनिंग बिटवीन द विकेट जो बेहतर देखने को मिलती हुई, ये जानते हुए कि बड़े हिट नहीं लग रहे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब एक गेंद बची हुई और जीतने के लिए रन है 5,
लेकिन ये 5 रन पूरे बनाने होंगे, चेसिंग कंपलसरी, इस बात का ध्यान देना है। अब यहां पर गोल्डन सिक्स ही लगाना होगा, अगर चौका भी लगाते हैं तो फिर काम नहीं बनने वाला है। गोल्डन सिक्स लगाना होगा वहां पर बल्लेबाज को, फील्डिंग लगानी तुरंत ही। क्या गजब का ये मुकाबला चलता हुआ, आर्यन चषक इस टूर्नामेंट का जो पहला मुकाबला था, तब से लेकर अब तक सभी मुकाबले हमने कट टू कट मुकाबले देखे, सासों को रोक देने वाले मुकाबले देखे, और ये मुकाबला भी आप देख सकते कि एक गेंद बची हुई और जीतने के लिए रन है 5, लेकिन चौका लगाते तो भी काम नहीं बनने वाला है। गोल्डन सिक्स लगाना होगा बल्लेबाज मयूर को, और अगर गोल्डन सिक्स लगाते हैं तो फिर फाइनल में गोल्डन सिक्स लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन जाएंगे मयूर। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की अब तक दीपेश ने, कमाल की उनकी गेंदबाजी रही है। सामना संभले नहीं प्रेक्षक ने, कोई हाथ में जाओ नहीं, चल बाहर आ, कोई अंदर नहीं जाएगा। सिद्दीक भाबे जी, बिल्कुल वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर का ये डायलॉग इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा कि मुकाबला कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। 1-5 गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर दीपेश, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है ओम साई दाबा द पोलिस। दरम्यान एक सत्कार आम्ही करू इच्छितो, मी विनंती करेल संजयनना मात्रे आपल्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जाईल।